हेलो राम राम जी, मैं केसर एस के संदेश चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सांगलिया के अंदर जो तेजा बाबा को मंदिर बन रहे हो भी के अंदर ही प्रवेश कर और गूंज रहे है सामने, जो देखो तो हाल अभी कार्यक्रम चल रही है, पहलो ही दिन है, शुरुआत है, तो गुंबद जी बहुत ज़्यादा गूंजे है। और थोड़ी ही देर के बाद तो कलश यात्रा आ रही है, सांगलिया जो शिव मंदिर है बठिया सो स्टार्ट हो चुकी। और दूसरी तरफ से देखा तो ट्रैक्टर की रैली के साथ में तेजा बाबा भीड़ बढ़ जा रही। पिछले साल 3-4 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गो हो, और अभी ते देख रहे हो कि मैं ये कि तेजा बाबा का मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। और चारों तरफ को एरियो भी था दिखा वहाँ के भी साइड के मायने का तो काम चल रहा है। अब बठिन देखा तो खेत का के अंदर साफ सफाई बढ़िया जोरदार कर रखी है, और इक मायने ही प्रोग्राम चल लगो और अपना जो वाहन है बाकी भी सुविधा कर दी गई है। और तेजा बाबा से मैं भी मन्नत मांगू हूँ कि ऊपर एक बहुत ही भयानक संकट थी आ रही है, तो भी संकट की भी रक्षा अपने तेजो बाबू ही करेला। और तेजा बाबा से अगर थे मनसू खुद ही था कि मन्नत मांगो कि तेजा बाबा गया बहुत दुखी है, तो जे ही मूर्ति विराजमान हुए बैठा तक वो संकट टल जावे और गया एकदम सो निरोगी रेवा लग जावे। जो सुरसरा से जोत ले रहे हैं वह जोत भी अपने कन्ने ही है और पिंजरा के अंदर रखी हुई है, और अपने साथ में शिव भगवान जी पुजारी जी हैं। तो अपन आज पूछे कि दूसरा मंदिर सो ले रहा को के रिवाज चल रहे है पहले सो, तो राम राम जी। राम राम साहब। तो जी आज जोत थे कौन सी जगह से ले रहे हैं? मैंने जगह सुरसरा से लेके सुरसरा से। तो जी सुरसरा से मतलब अब कोई दूसरी जगह से ले रहे फिर मंदिर में ले रहा हूँ, एक पीछे कुछ कारण तो भैया वो उनकी मेन जगह है। जब भी सो ले रहा बस मतलब अपना मंदिर के मान विभाग को शक्ति भाव प्रभाव कुछ ज्यादा वो उन्हीं की वो एक ही जीव हो जाता है। जैसे मान लो मनुष्य जी आप होते हैं जन्म का स्थान मानते हैं ना उसी हिसाब। तो जी धन करना सुजोत दिखावा मैं एक बार एक अंदर ही जोत आई है जो लालटन बनी है एक अंदर ही। तो यह जोत है मतलब हमेशा एनी टाइम चालू ही रहेगा की जोत है, अखंड ज्योति है।
तेजाजी महाराज की इस भव्य प्रतिमा को लेकर सभी तेजा भक्त सांगलिया की ओर आए थे। बामड़ी स्टैंड से पैदल सभी तेजा भक्त आए और तेजाजी महाराज के इस भव्य 11 लाख रुपए की कीमत से बनी अष्ट धातु की इस प्रतिमा को लेकर आज इस प्रतिमा की स्थापना होगी और 5 सितंबर को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। सभी तेजा भक्त जो यहाँ उपस्थित हैं या जो लाइव देख रहे हैं, मेरा एक निवेदन रहेगा, आप इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचा पाएंगे। अभी देखिए मिनी हेलीकॉप्टर से कुछ अच्छा होता है, जो कि लगातार सुबह बस यात्रा के दौरान भी थी, फिर जब हम मूर्ति लेकर आए तब भी थी, और मूर्ति को यहाँ स्थापित किया जाएगा उत्तर भारत के सबसे बड़े तेजा मंदिर में, तब भी यहाँ ड्रोन से पुष्प वर्षा हो रही है। और ये देख रहे हैं आप लोग, मैं चाहूंगा सभी तेजा मंदिर से एक बार जोरदार बोलिए तेजा जी महाराज की जय। ये देखिए सुबह से ही तेजा जी जयकार देख रहा हूँ, बहुत थोड़ी
धीरे धीरे लिया रोड से भैया, धीरे धीरे लिया रोड, धीरे धीरे लिया रोड, लाइट चार्ज जाना टाइमिंग है कितने देर कितने देर लाड़ी बस। अरे सुनो गाड़ी आगे निकाल दे, इस साइड आ जाओ जी, थोड़ा थोड़ा ना लो पीछे आ जाओ, पिलो पीछे पीछे बस सही है। Thank you.